सो गाइस, आप में से काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई मैं काफी टाइम हो चुका है मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए, लेकिन मेरे व्यूज नहीं आ रहे। मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ और मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं ग्रो ही नहीं हो पा रहा हूँ, ना मेरी कोई हेल्प कर रहा है, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हो पा रहा। काफी मैंने टाइम दे दिया यूट्यूब के लिए, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। अगर आपको भी यही लगता है कि आपकी मेहनत के बाद आपको व्यूज नहीं मिल पाते हैं, काफी सारे वीडियो अपलोड करने के बाद आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ आपके साथ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जिसको मैंने फॉलो करके ही आज ग्रो हो पाया हूं। जो कुछ भी हूं यूट्यूब पर उसी चीज को मैंने फॉलो किया है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखना, और आपको मैं बता देता हूं, इस वीडियो में आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना अपने सबसे बेस्ट वीडियो के साथ, उसका लिंक मेरे को सेंड कर देना जो आपकी सबसे बेस्ट वीडियो हो। बस आपको इतना करना और फॉलो नहीं करना, सिर्फ उसे मैसेज करना और कोड सेंड करना और वीडियो की लिंक देना, क्योंकि प्रमोशन के नाम पर मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। बस आपको इतना कर देना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, व्यूज का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उस वीडियो पर आपको काफी अच्छा खासा व्यूज में अपने तरफ से दिला। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टक्साल एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। यहां पर आप प्रेडिक्शन करके काफी सारी अर्निंग कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, आपको अनुमान लगाना होता है, अगर आपका अनुमान सही रहता है तो आप 9 गुना अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप 10 रुपए का कुछ भी लगाते हैं तो आपको 90 रुपए मिल सकते हैं, और यहां पर काफी सारे ऐसे लेवल हैं जिसपे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपकी सोचने और समझने की क्षमता अच्छी है और स्किल आपकी अच्छी है प्रेडिक्शन में, तो आप यहां पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फटाफट जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना, साइन अप कर लेना और यहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा इजी है अर्निंग करना, काफी लोग कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं आसानी से। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोगों को यही लगता है कि मैंने काफी सारी वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पर, यूट्यूब पर मैं ग्रो नहीं हो सकता, मेरे व्यूज नहीं आते हैं, इतना मेहनत करने के बाद मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, खाली मेरा टाइम बर्बाद हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं YouTube क्या है। YouTube पे बहुत सारा कंपटीशन है, रोजाना नए से नए क्रिएटर, रोजाना नए से नए क्रिएटर आ रहे हैं YouTube पर। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप 100 की भीड़ में अलग नहीं दिखोगे तो आपको कोई भी, यानी कि आपके ऊपर फोकस किसी बंदे का नहीं जाएगा। तो आप सोच लो, YouTube एक ऐसी चीज है, यहां पर आप अगर कुछ अलग नहीं करोगे, कुछ अलग करके नहीं दिखाओगे, तो आप कभी ग्रो नहीं हो सकते, और ये 100% सच है। और मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा फेस किया है, बहुत ज्यादा समझा है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप ग्रो क्यों नहीं हो पाते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को पहचानते ही नहीं हो। आपने 100 वीडियो अपलोड करी, लेकिन 100 वीडियो में से आपने ये नहीं देखा कि मैंने बदला क्या, मैंने क्या चीज चेंज की, क्या अलग है, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या लोग पसंद करते देखना। कभी आपने अपनी ऑडियंस से नहीं पूछा, कभी आपने अपने आप को खुद को नहीं देखा कि मैं आके गलती कहां कर रहा हूं। 100 वीडियो डालने पर भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पाया, तो मैं गलती कहां कर रहा हूं। सबसे बड़ी गलती यही होती है, काफी सारे यूट्यूबर मेरे को यही बोलते हैं कि भाई मैंने काफी सारी वीडियो अपलोड कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई तब भी मैं ग्रो नहीं हो पाया। मैंने उनके चैनल पर जाके देखा, तो उनके चैनल पर क्या था कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया क्या, कोई भी चेंज नहीं किया। स्टार्टिंग में जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो देखी मैंने, वो भी वही वीडियो थी, यानी कि कोई भी क्वालिटी में चेंजिंग नहीं की, ना तो कोई बोलने का तरीका भी चेंज नहीं किया, यानी कि कुछ ऐसा प्रोफेशनल तरीके से कुछ किया ही नहीं ताकि बंदा रुक पाए। देखो, यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप क्रिएटर हो, लोग आपसे सीखते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किल खुद ही अच्छी नहीं है, अगर आप खुद अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेटर नहीं है, लोगों को समझाने का आपको तरीका ही नहीं आता है, तो आपकी वीडियो कौन देखेगा। आप अटक जाते हो, आप उधर उधर देखने लगते हो, या आपकी आवाज सही नहीं आती है, या आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा बुरी है, तो वो कोई नहीं देखेगा यार। उसको समझना पड़ेगा, अपना माइंड सेट कीजिए कि मुझे इस वीडियो में ये सारे पॉइंट कवर करने हैं ताकि सामने वालों को समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या चीज उसको सिखा रहा हूं। आप प्रोफेशनल तरीके से बोलोगे, जैसे एक आपने देखा होगा, आपका टीचर है, टीचर है, वो कई सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है, वो टीचर है, बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, तब आप उसके पास पढ़ने जाते हो। अगर उसको खुद ही नहीं आएगा कि भाई मैं क्या सिखा रहा हूं बच्चों को, और उसको खुद ही कुछ समझाना नहीं आएगा, तो आप उससे नहीं पढ़ोगे। सिंपल सी बात है, यूट्यूब का यही फंडा है। जो आप क्रिएटर हो, आप क्रिएटर हो तो आपको कुछ ऐसा चीजें सिखाना चाहिए, कुछ इस तरीके से सिखाना चाहिए ताकि बंदे के समझ में आए कि ये बंदा बोल क्या रहा है, और बोलने की स्किल आपकी इतनी अच्छी होना चाहिए ताकि कोई बंदा समझे कि आप प्रोफेशनल हो। आप यही
सोचते रह जाते हो कि भाई मैं बेटर हूँ, मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैंने सारा सब कुछ सही किया, मेरा तब भी चैनल ग्रो नहीं हुआ। आप इसी सोच में रह जाते हो, लेकिन आप कभी ये नहीं पूछते हो लोगों से कि मैं भाई गलती क्या कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, आपके पास पहले ऑडियंस ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइटिंग नहीं है। तो मैं उनको बता देता हूँ, देखो भाई कैमरा नॉर्मल मोबाइल आप यूज़ कर सकते हो। मैंने भी Realme 2 से ही सारा YouTube चैनल ग्रो किया था। अब पहले की वीडियो जाके देख लेना, काफी अच्छी क्वालिटी थी। क्वालिटी क्या है, आप इसी चीज पे ध्यान नहीं देते हो, और ये चीज बहुत ज्यादा नोट की जाती है। आपकी धुंधली क्वालिटी आ रही है, आपका बोलने का तरीका नहीं है, आपको समझाना नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अटक टक के बोल रहे हो, लोगों को सिखा ही नहीं पा रहे हो, तो आपको लोग लुल समझेंगे और वीडियो छोड़ के चले जाएंगे कि भाई इसको खुद नहीं आता, इसको खुद बताना नहीं आता, तो ये हमको क्या सिखा पाएगा। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एक ग्रीन स्क्रीन का यूज कीजिए, या प्लेन आपकी कोई दीवार हो, प्लेन पेंट हो उस पर क्या हुआ उसका यूज कीजिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप छत पे जाइए, पीछे जो बैकग्राउंड खुला हुआ होता है वो यूज कीजिए, उसमें वीडियो बनाइए। कहीं आप जंगल में जाके वीडियो बना सकते हैं, जहां पर आपके पेड़ पौधे हो वहां पर वीडियो बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप घर में ही वीडियो बनाएं, घर में ही वीडियो बना के आप ग्रो हो पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ उपकरण नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, तो आप नेचुरल लाइट का यूज कर सकते हैं, या आपको मैं दिखा देता हूं इस प्रकार की आप लाइट बना सकते हैं। मैंने भी घर पर ये सॉफ्ट लाइट बनाई है जो कि बहुत अच्छा काम करती है, आप इस चीज का बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको समझाने का तरीका आना चाहिए, आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। आप प्रोफेशनल तरीके से अगर आप YouTube चैनल चलाएंगे तो आपका चैनल 100% ग्रो हो जाएगा, और ये चीज मैंने खुद फेस की है, खुद मैंने समझा है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं जानता हूँ तभी आपको बता रहा हूँ। मैं आज भी क्वालिटी अपनी इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने मंगा ली हैं और काफ़ी चीज़ें मैं मंगा रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, प्रोफेशनल तरीके से मैं अपनी वीडियो बना पाऊँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे और जो भी बंदा मेरे चैनल पे आए उसको लगे कि भाई ये इस बंदे में दम है, ये सिखाने में भी अच्छा है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, ये आगे जाएगा मैं इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ, तभी आपको व्यूज मिलेंगे। ऐसे व्यूज नहीं मिलेंगे कि आप सोच रहे हो कि आप उल्टी सीधी वीडियो अपलोड करके, वीडियो में ऑडियो भी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, आपको समझाने का तरीका भी नहीं आता, तो आप ग्रो हो पाओ, तो आप ग्रो हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको व्यूज बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमेशा नया करने की सोचो, अपने आप को देखो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं अपने अंदर में, वो चीज देखो, तब आप ग्रो हो पाओगे। वरना आपका कोई भी, यानी कि यूट्यूब पे इतने ज्यादा कंपटीशन है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको यही चीज फॉलो करना पड़ेगी। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा करना नहीं आती है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल से मोबाइल पे आपको फुल HD 4K में तक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके दिखाऊंगा कि भाई ऐसे वीडियो एडिट होती है और इस टाइप की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट करना अगर आपको कुछ नहीं आता है। बस गाइस इतनी चीजों को आप पहले फॉलो करना, बाकी आपको मैं बाद में बताता रहूंगा जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले ये चीज आप करिए, क्योंकि एकदम अगर आप सब कुछ करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, पहले धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज फॉलो करना पड़ेगी। पहले देखिए मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती नहीं कर रहा हूँ। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, जो मैंने बातें बताई है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, और इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% ग्रो हो जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।